आगे चलते हैं कोटपुतली, जहां पर हमारे नवतेज टीवी के संवाददाता सीधा ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी से सीधी तस्वीरें। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी अनाज मंडी कटरा कोटपुतली में, और हमारे साथ में मौजूद है निर्दलीय विधायक मुकेश गोयल। जानेंगे उनके चुनावी दौरों के विषय में, और यहां पर जो सैकड़ों की संख्या में हजूम बता रहा है कितना ज्यादा उनको लोग प्यार कर रहे हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं। और सीधी तस्वीरों के माध्यम से सभी के साथ में हम बातचीत करेंगे, स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। और सबसे पहले हम जुड़ेंगे मुकेश गोयल के साथ में, कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है उन्हें, कितना ज्यादा उत्साह है सर, कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है, कितना ज्यादा उत्साह है। ये पिछले कई दिनों से जहां भी जा रहा हूं, चाहे ग्रामीण अंचल में जा रहा हूं, गांव ढाणी में जा रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं, इतना प्रेम उत्साह और लोगों का स्नेह है कि लोगों ने मान लिया कि पूरी कोटपुतली ने मिलकर खड़ा किया है। और वास्तव में मुझे पहली बार लगा है कि जनता जब किसी को खड़ा करती है, ये जनता का जनादेश जन जन मेरे साथ है, और जिस विश्वास प्यार लोगों के साथ है, तो मैं तो बहुत ही कोटपुतली के आगे पूरी जनता जनार्दन के आगे कृतज्ञ हूँ कि इतना स्नेह प्यार मैंने किसी भी विधानसभा में, ऐसा किसी भी चुनाव में नहीं देखा है। टक्कर किसके साथ में आपकी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई टक्कर में बचा भी है। जब बीजेपी से बागी हुए तो बहुत से फोन आए होंगे आपके पास में। निश्चित रूप से, लेकिन मैंने बीजेपी के तमाम नेताओं को बताया कि जो निर्णय किया है वो कोटपुतली के साथ खिलवाड़ किया है, कोटपुतली के जनता के खिलाफ निर्णय किया है, और जो व्यक्ति पार्टी के साथ ना रहे, खिलाफ रहे, तमाम वो बातें मैंने बार बार बोली है। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, वो बातें नहीं बोलना चाहता हूँ। बस यही है कि मैं कोटपुतली की जनता का कैंडिडेट हूँ, कोटपुतली की जनता ने मुझे खड़ा किया है, यह जनता की लड़ाई है, कोटपुतली पूरा लड़ेगा और कोटपुतली जीतेगा। बात करें विकास की, कोटपुतली में विकास में क्या कमी रही? देखिए, पिछले 10 वर्ष से यहाँ कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं और अब की बार सरकार में मंत्री भी हैं, यहाँ एक भी चीज में, एक भी क्षेत्र में विकास नहीं किया है, केवल भेदभाव किया है। कोटपुतली के हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर गाँव को आपस में लड़ाने का काम उन्होंने किया है। वास्तव में अगर आज की पीढ़ी ने ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देखी होगी, पर अब देख सकते हैं, राजेंद्र यादव ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर है, तो उसने ये किया है। चलिए, सवाल, अगर जनता जनता एक मौका देती है तो पहला काम क्या रहेगा आपका? कोटपुतली में पिछले 5 साल से भय का वातावरण है, हर आदमी डर में जी रहा है, और राजेंद्र यादव का डर इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। लेकिन सबसे पहले भय मुक्त कोटपुतली करेंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त कोटपुतली करेंगे, और अत्याचार मुक्त कोटपुतली करेंगे, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, अन्याय को कोटपुतली से खत्म करेंगे, पूरे 36 कोम को साथ लेकर के चलेंगे, कोटपुतली का विकास करेंगे, हर वर्ग का, हर गांव का, धाणी का, बिना किसी भेदभाव के विकास करेंगे। कोटपुतली में अक्सर जाति गणना पर चुनाव होता रहा है, क्या मानते हैं कि गुर्जर समाज का अभी ज्यादा है मतगणना? ऐसा कभी भी नहीं है कि जातिगत चुनाव कहीं होता होगा। आप अनेक बार देखिए कि कब कब कौन कौन जीता है। कोटपुतली के इतिहास में 7 बार निर्दलीय जीते हैं, और वो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जीते हैं। मुझे लगता है कि जब जनता चाहती है, जातियां कोई मायने नहीं रखती है। आज जो सामने प्रतिद्वंदी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार के, उनके समाज के लोग भी पूरी ताकत के साथ मेरे साथ जुटे हुए हैं, और मैं कहूंगा कि ये जाति का चुनाव नहीं है, ये कोटपुतली का, जनता का चुनाव है, कोटपुतली के हकों का चुनाव है। कितना ज्यादा जनता प्यार दे रही है इसमें? लगभग मैं 25 वर्षों से राजनीति में हूं, अनेक विधानसभाओं में, अनेक प्रांतों में चुनाव कराने गया हूं, दिल्ली भी 2-2 प्रांतों में, अनेक 2-2 विधानसभाओं में गया, और हर स्टेट में जाने का मौका मिला। कोटपुतली में भी मैंने पिछले 6 चुनाव कराए, लेकिन इतना उत्साह, इतना प्रेम, इतना प्यार
मैं पहली बार किसी चुनाव में महसूस कर रहा हूं कि इतना प्यार कोटपुतली ने दिया है। ये प्यार कोटपुतली का जीतेगा, ये स्नेह जीतेगा निश्चित रूप से। चलिए, राजनीति में आपने 25 साल गुजारे, समाज सेवा में कितने साल गुजारे आप? देखिए, मैं तो ये कहता हूं, कॉलेज में जब पढ़ता था तब से ही मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूं। 1993 से ही मैं ब्लड डोनेशन जैसे काम से जुड़ा रहा, मैं संघ का स्वयंसेवक रहा और विद्यार्थी परिषद में काम किया और लगातार मैं जन सेवा के कामों से जुड़ा रहा हूं। अभी रक्तदान का, अस्पताल में सेवा का और साथ में आपके ये उपहार का कार्यक्रम, गांव-गांव में युवाओं को सेना भर्ती की ट्रेनिंग और गांव-गांव में योग कराने के कार्यक्रम, अनेक तमाम वो मुद्दे जिससे कोटपुतली के हर युवा का, हर बुजुर्ग का, हर महिला का विकास हो सकता है, उन्हें कहीं ना कहीं संबल बन सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं, चाहे छोटे से छोटा काम हो। गाँव के अंदर भी कार्यकर्ताओं की टीम, गाँव के अंदर युवाओं की टीम लगातार छोटे से काम, किसी गांव में साफ सफाई का काम हो, किसी गांव में अस्पताल स्कूल को सुधारने का काम हो, स्कूलों को कलर करने का काम हो, जोहर का विकास हो, कोई गांव में बीमार है उसको कोटपुतली दिखाने का काम हो, तमाम हर चीज सेवा का मौका ढूंढते रहते हैं लोग और लगातार ये कारवा सेवा के काम में जुटा हुआ है। मंडी के बाजार की बड़ी चर्चा है कि बाजार को तोड़ दिया गया जिसे व्यापारियों में बहुत ज्यादा रोष पाया जाता है, तो क्या लगता है आपको? कोटपुतली को जिला बनाने के नाम पर और झूठे झांसे देकर के, जबकि जिला केंद्र यहाँ खोलेंगे और इस प्रकार का कृत्य किया गया, आजादी के भी 25 वर्ष पूर्व, 100-125 पूर्व वर्ष की बनी हुई बिल्डिंग, खेतड़ी रियासत के दिए हुए पट्टे और नगर पालिका ने ऑक्शन में दी हुई जमीनें और पट्टे, नगर पालिका भी कहती है हमने ऑक्शन कर दिया, पट्टे दे दिए, लेकिन अवैध। आप सोचिए कैसा यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा का राज रहा है, रातों रात बिल्डिंगे तोड़ दी गई बिना किसी मुआवजे के, किराएदार मकान मालिक को लड़ा दिया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ तमाम उन चीजों की जांच भी होगी, जिन अधिकारियों ने गैर कानूनी काम किया है वो जेल भी जाएंगे और पीड़ित पक्षकारों को आने वाले समय में मुआवजा भी मिलेगा। पूरा न्याय कोटपुतली की जनता के साथ होगा, क्योंकि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है और अन्याय के पैर ज्यादा होते नहीं है। क्या कहना चाहेंगे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कौन सी स्कीम रहेगी अब गुरमीत जी बात कर रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे? 10 वर्ष से जिसका शासन है उसकी अपनी फैक्ट्री है, स्कूल है, उस फैक्ट्री में तो टोटल बिहार के लोग हैं, आसपास गांव के लोग नहीं है। आप सोचिए कि जब उन्होंने रोजगार नहीं दिया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कोटपुतली के युवाओं को संगठित करके और बाहर से उद्योगपति, कोटपुतली के उद्योगपति कितने हैं आप कल्पना कीजिए, आज बोरोसिल जैसी कंपनी भी कोटपुतली की है, अनेक उद्योगपति कोटपुतली के में, सबके लिए रोजगार के रास्ते खोलेंगे, घर घर उन उद्योगपतियों के पास जाएंगे, झोली फैलाएंगे, इस गांव के लिए विकास के लिए पैसा तो लाएंगे, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार जरूर लेकर आऊंगा। महिलाओं को लेकर मेरा सवाल है, महिलाओं पर अत्याचार के मामले भी लगातार देखने को आए हैं, लूटपाट की घटनाएं तो ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना हुई हो। देखिए, कोटपुतली के अंदर लगातार अपराध बढ़ा है और अपराध को रोकने का झांसा दे करके ये व्यक्ति जनप्रतिनिधि बना और मंत्री भी बना, और शर्म तब आती है जब कोटपुतली को गृह राज्य मंत्री का जिम्मा मिलता है, लेकिन राजस्थान के अंदर अपराध के अंदर कोटपुतली में नंबर वन है। आए दिन गोलियां चलती हैं, आए दिन चोरियां होती हैं, आए दिन डकैतियां होती हैं, लूटपाट होती हैं। यूपी से योगी के भगाए गुंडे, आज हरियाणा से भगाए गुंडे कोटपुतली में शरण स्थली लेकर बने हुए, राजनीतिक संरक्षण के अंदर अपराध कोटपुतली में फल फूल रहा है, अपराधियों पे कोई लगाम नहीं लगाई गई है। मैं तो ये विश्वास दिलाता हूं, पहला काम कानून व्यवस्था को ठीक करना और अपराधियों को कोटपुतली से बाहर का रास्ता दिखाना, यही काम रहेगा। मेरा अंतिम सवाल है, जब नेता विधानसभा में चला जाता है, विधायक बन जाता है, तो आम जन सरोकार की समस्या उठानी बंद कर दी जाती है या सुनवाई बंद कर दी जाती है, या फिर ऐसा बोला जाता है कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दी? देखिए, कोटपुतली के जनप्रतिनिधि विधानसभा में गए भी और पूरे 10 साल के अंदर उन्होंने एक बार तो तब बोला जब सीकर के अंदर एक यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आए वो शिक्षा मंत्री के नाते, लेकिन पता लगा कि वो यूनिवर्सिटी तो वहां पे केवल खेत है, यूनिवर्सिटी है ही नहीं, और पूरे 5 वर्ष और उससे पहले 5 वर्ष कोटपुतली के हक की लड़ाई शायद ही किसी ने विधानसभा में उठाई होगी, और आज तो हालात ये हैं, एक व्यक्ति सुनता नहीं है और एक व्यक्ति उठता नहीं है, और बोलना आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे क्या बोलना आता है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उठ नहीं सकते, क्या प्रतिनिधित्व करेंगे कोटपुतली का? ये जनता जनार्दन चाहती है कि कोटपुतली का प्रतिनिधित्व वो व्यक्ति करे जो बोल सकता है, आधी रात को उठ सकता है, आपके साथ थाने में आ सकता है, फोन उठा सकता है, जनता के साथ खड़ा हो सकता है, वो व्यक्ति कोटपुतली का
ऐसा व्यक्ति कोटपुतली का प्रतिनिधित्व करेगा जो जनता की सुने, जनता को परिवार समझे, जनता को बांटने का काम नहीं करे, भाई भतीजावाद नहीं करे, गांव गांव ठेकेदार नहीं बनाए कि हर व्यक्ति का हक होता है, क्योंकि विधायक केवल नौकर होता है और विधायक को कभी भी फोन कर सके, वो उसके साथ खड़ा रहे, वो जन सेवक है। और सच्चे मायने में मैंने घोषणा भी की कि मैं माला नहीं पहनूंगा जब तक कोटपुतली को इस भय भ्रष्टाचार और अत्याचार अन्याय से मुक्त नहीं कर दूंगा। ये मालाएं मेरे बुजुर्गों की हैं, क्योंकि कोई विधायक बनता है जनता के आशीर्वाद से बनता है, जनता की वोट की ताकत पे बनता है। एक विधायक को पूरे 15 वर्ष के अंदर 15 से 20 लाख रुपए का वेतन मिलता है, 1 करोड़ रुपए सरकारी वेतन और TADA एक विधायक को मिलता है। किसकी ताकत पे? जनता की वोट की ताकत पे। ये 1 करोड़ रुपया और कितना भी पैसा सरकार मानदेय और वेतन के रूप में देगी तो इस जनता को समर्पित करके गरीबों का इलाज कराने में खर्च करेंगे और तमाम वो चीजें। सीधी तस्वीरें इस वक्त नवतेज टीवी के माध्यम से देख रहे थे और हमारे साथ में मौजूद थे निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश गोयल जी, जिन्होंने जीत का दावा किया है। अगर धरातल की बात करें, आम जनता की बात करें, तो आम जनता में समाज सेवा के रूप में अच्छा कार्य किया है। जब कोरोना काल में सभी नेता अपने अपने बिस्तरों में पड़े हुए थे तो मुकेश गोयल लगातार जनता के बीच में राशन बांटने का कार्य कर रहे थे, सैनिटाइजर किट बांटने का काम कर रहे थे। ये आम जनता की आवाज़ है, ये आम जनता की बात है। तो फिलहाल नवतेज टीवी वो चीज दिखाता है जो दूसरा मीडिया नहीं दिखा पाता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जनता की फिर से दिखाएंगे। वो नेता जो चुनावी वादों में बड़े फीके नजर आए, अब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता उनको किस तरह व्यवहार करती है। तो फिलहाल मुकेश गोयल का तो आज फूलों से अच्छा स्वागत भी हुआ। हम किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं है, लेकिन सच दिखाना हमारा कर्तव्य है और नवतेज टीवी ऐसा दिखाता रहता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और देखते रहे नवतेज टीवी, भरोसा सच का। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।